नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 18 मई को जो भोपाल में आंदोलन हो रहा है उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें, इस आंदोलन में साथ देकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। क्योंकि यदि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 51,000 पद हो जाते हैं तो हम सभी के लिए बहुत ही फायदा होगा और अधिक से अधिक लोगों को इसमें नियुक्ति मिल सकेगी। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की पता है आपको, फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाली है। उसके साथ में सेकंड काउंसलिंग भी क्लियर होगी। सेकंड काउंसलिंग यदि आप मान के चलते हैं 20,000 पदों पर होती है तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग मिल पाएगी और सभी लोगों का इसमें फ़ायदा हो सकेगा। इसलिए कोशिश करें, यदि आप लोग 51,000 पद चाहते हैं तो 51,000 पदों के लिए कम से कम 51,000 स्टूडेंट्स भोपाल में 18 मई को होना जरूरी है। यदि 51,000 स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि सरकार इसमें मतलब नेगेटिव लेती है और उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स के साथ कोई भी इस प्रकार का संगठन नहीं है या इनके अंदर यूनिटी नहीं है। आप लोगों ने जैसा देखा है कि कल कर्नाटक में बीजेपी की एक बहुत ही खतरनाक तरीके से हार हुई है। उस हार का बीजेपी को शायद नुकसान MP में भी हो सकता है, क्योंकि MP के छात्र भी इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इसका नुकसान होगा और इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर स्टूडेंट्स इस बात को समझ चुका है, उनके परिवार वाले, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ाई है और बढ़ा रही है उस प्रकार से चुनावी वर्ष में बीजेपी को नुकसान होगा। और मध्य प्रदेश के छात्रों ने अभी बिल्कुल बात ठान ली है कि हमें इसका परिणाम और अपने वोट की जो शक्ति है वो सरकार को दिखाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपना वोट सही जगह पर सही समय पर नहीं दिया तो आपको हमेशा 5 साल इसी तरीके से परेशान होना है। इसलिए प्रयास करें, 18 मई को भोपाल जाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं और सब लोग साथ रहें जिससे 51,000 पदों पर पद वृद्धि हो सके और सेकंड काउंसलिंग बहुत ही जल्दी हो। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।